लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है? आज जो जन आक्रोश रैली जो निकली वो हिंदू हित रक्षा समिति के माध्यम से निकली है, जिसमें सिलवासा रहने वाले सभी भारतीय समाज, वनवासी क्षेत्र से हो या नगरीय क्षेत्र से हो, सभी सांप्रदायिक, जो स्वामीनारायण संप्रदाय से हो या अन्य किसी दूसरे संप्रदाय से हो, सभी लोगों ने भरपूर इसमें सहयोग किया है। और जो बांग्लादेश में जो परिस्थिति आज हिंदुओं के साथ बनी हुई है, जहां हमारे भाई बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे जो साधु संतों और मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके विरोध में सर्व समाज एकत्रित होकर आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से भारत सरकार और गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया गया है कि उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रभाव बना जाए कि ऐसी स्थिति वहां पे बंद हो और हमारे जो हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। आखिर कितने मुद्दे हैं इसमें कुल मिलाकर जो यहां पर आज ज्ञापन दिया गया उसमें? इसमें 6-7 मुद्दे हैं, जिसमें हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा हो, हमारे जो साधु संत हैं उनकी सुरक्षा हो, और जो इस्कॉन के माध्यम से जो इस्कॉन के चिन्मयानंद स्वामी महाराज को जो गिरफ्तार किया गया है उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, और वहां पे जो सरकार, हमारे जो हिंदुस्तान हिंदू भाई, हमारे जो भारतीय या हिंदू भाई रह रहे हैं उन पे ये अत्याचार हो रहे हैं, उन पे तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। आने वाले दिनों में भी क्या इस तरह की कुछ चीजें देखने को मिलेगी, क्या एक्टिविटी जो आप लोग कर रहे हैं? अभी तक भारत सरकार के माध्यम से हम लोग ये पहुंचाना चाहते हैं कि वहां पे हमारे भारतीय जो हिंदू भाई हैं या हमारे वहां पे हिंदुस्तान के हिंदू रह रहे हैं या वहां के जो हिंदू भाई रह रहे हैं उन पे वो अत्याचार बंद हो, अगर कालांतर में ऐसे नहीं हुए तो और कठोर कदम उठाए जाएंगे।